स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। इस समय हम खड़े हुए हैं सेक्टर 12 है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और यहाँ के प्लॉट्स के क्या रेट हैं उसका मैंने जानकारी लिया, और जानकारी लेने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने ये भी पूछा कि क्या कारण है कि रोजा जलालपुर के रेट सस्ते हैं और यहाँ के रेट बहुत महंगे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, यहाँ पर बहुत सारे मकान बने हुए हैं। ये देखिए पूरी लोकेशन को, हालांकि मैं घूमकर भी दिखाऊंगा आपके लिए कि क्या कंडीशन है यहाँ की और कितने मकान बने हुए हैं, उन्हें आप देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं सेक्टर 12 है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के प्लॉट्स, यहाँ पर कितने प्लॉट्स हैं और कितने बन चुके हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्लॉट बने हुए हैं, ये आप देखिए, किसान कोटा वाले प्लॉट्स इतनी बड़ी मात्रा में कहीं और नहीं बने हुए हैं जितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्लॉट्स बनाए गए हैं। और कारण ये है कि ये काफ़ी अच्छी और प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर बिल्डर्स के फ्लैट्स भी हैं और फ्लैट्स के साथ साथ किसान कोटे वाले प्लॉट्स हैं, इसलिए ये लोकेशन बहुत ही प्राइम हो जाती है, और प्राइम होने के कारण रेट भी बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जितनी भी प्राइम होती है उसी हिसाब से उसका रेट बढ़ता रहता है, और यही कारण है कि यहाँ की प्रॉपर्टी ज़्यादा महंगी है रोजा जलालपुर वाली प्रॉपर्टी के मुकाबले। रोजा जलालपुर की प्रॉपर्टी इसलिए सस्ती है कि वहाँ शमशान घाट है, एक तालाब भी है, और वहाँ के आसपास के लोगों की ये मान्यता रही है कि यहाँ पर भूत रहते हैं, और जहाँ लोगों के मन में ऐसी मान्यताएं बस जाएं तो वहाँ पर लोग निवेश करने से बचते हैं। हालांकि भूत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मान्यता तो मान्यता ही है, उसको हम नकार नहीं सकते, और यही कारण है कि वहाँ पर लोग निवेश नहीं करते जहाँ पर शमशान घाट जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्राइम लोकेशन होने के कारण निवेश बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी बहुत है। जब मैंने डीलर से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 60 मीटर का अगर प्लॉट लोगे तो वो सबसे महंगा पड़ेगा, जो कि लगभग 90 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा, और वहीं आप अगर 120 मीटर का लेते हैं 1 करोड़ 25 लाख से लेकर के और 1 करोड़ 30 और 32 लाख तक पड़ सकता है। तो ये आज के रेट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पर कितना प्रोग्रेस है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, कितने ज़्यादा मकान बने हुए हैं, उन सब की जानकारी हम पूरी तरह से देते रहते हैं। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट किस प्रकार का है और कितना यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है। आप देखिए ये पूरी तरह से भरा हुआ सेक्टर सा लग रहा है, इसके बीच में कम ही प्लॉट्स बचे हुए हैं, और इसका कारण यही है कि ये प्लॉट काफ़ी प्राइम लोकेशन पर हैं, और प्राइम लोकेशन के कारण यहाँ की कीमतें भी काफ़ी बढ़ी हुई हैं। हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि निवेश आपका है, आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं, फ्लैट में, प्लॉट में, ये आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि आप किस स्थान पर और किस प्रकार का निवेश करना चाहते हैं। और इसके साथ ही ये देखिए, ये एल्डिको है यहाँ पर, और ये है यहाँ का पूरा व्यू जो मैंने आपको दिखाया। दोस्तों, जैसे ही मैंने डीलर को फ़ोन मिलाया उसी समय कोई तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और वॉइस रिकॉर्ड ना हो पाने के कारण बहुत सारी बातें बीच में छूट गईं। लेकिन मैं संक्षेप में आपको बताता हूं कि उस समय मैंने क्या बात की थी। मैंने बात ये की थी, डीलर से मैंने पूछा था
कि यहाँ पर प्लॉट के क्या रेट चल रहे हैं, तो उसने रेट की जानकारी दी। रेट की जानकारी देते हुए उसने बताया, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि यहाँ पर जो प्लॉट के रेट हैं वो लगभग अगर 120 मीटर का है तो वो लगभग 1,25,00,000 से लेकर के और 1,30,00,000 से 3,200,000 तक पड़ेगा। और अगर 60 मीटर का लेना चाहते हैं तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। 60 मीटर का प्लॉट यहाँ पर लगभग 90,00,000 का पड़ेगा, जो कि 1,50,000 स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से हो गया। वाकई में ये काफ़ी महंगा है, इसलिए अगर आप बड़ा प्लॉट लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। प्लॉट जितना छोटा है उसी हिसाब से रेट भी महंगा होगा। साथ ही मैंने उनसे ये भी पूछा था कि क्या कारण है कि रोजा जलालपुर के प्लॉट सस्ते हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक शमशान घाट बना हुआ है, उस शमशान घाट के कारण, और वहाँ पर एक तालाब भी है। मैंने तो नहीं देखा कहाँ तालाब है, लेकिन उन्होंने बताया कि तालाब है, इस कारण से लोग वहाँ पर जल्दी निवेश नहीं करना चाहते, वहाँ भूत व्याधा जैसी बातें भी उन्होंने मुझे बताई थी। इसीलिए लोग जो है वो भूत व्याधा को ज़्यादा मानते हैं। मानते हैं तो आज भी चले आ रही है लीला, तो कभी बंद थोड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है, वो नहीं बंद होगी। तो यहाँ अगर 120 मीटर का अगर कम से कम रेट कितना पड़ जाएगा लगभग? कम से कम मान के चलो आप 1,25,00,000 रुपए तो कम से कम है। मतलब 1,25,00,000 से कम में नहीं मिलेगा? बिल्कुल। अच्छा, और 60 मीटर का कम से कम कितना पड़ जाएगा? 60 मीटर 90,00,000 रुपए। अच्छा, 90,00,000, उससे कम नहीं पड़ेगा? नहीं। अच्छा जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, और हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस समय आप देख रहे हैं आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम यदु टीवी चैनल पर। डिमांड थी कि हम यहाँ के प्लॉट्स दिखाएं, तो मैंने आपको वो प्लॉट्स दिखाए हैं और मैं दिखा भी रहा हूँ। और सामने की जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो है कोको काउंटी की इधर, और इधर में जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये वही बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पर बहुत ही शानदार लोकेशन है, और शानदार लोकेशन होने के साथ साथ यहाँ पर निवेश के भी अच्छे अवसर भी हैं। और ये है वो स्थान जिसे पार्क कहते हैं, और यहाँ पर लोग अक्सर घूमने आते हैं, लोग सुबह को योगा करते हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पर घास लगी हुई है, घास लगी हुई होने के कारण और अच्छा ट्रैक होने के कारण सुबह सुबह लोग यहाँ पर घूमने का भी आनंद लेते हैं। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग ये पसंद आया होगा। और यदि हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो आप हमारे इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इसके आसपास और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप हमें बताएं। अगला वीडियो मैं सेक्टर 3 ग्रेटर नोएडा वेस्ट का बनाऊंगा, जो कि प्लॉट्स हैं ख़ास तौर से सेक्टर 3 में डी ब्लॉक वाले में बनाऊंगा, क्योंकि डी ब्लॉक वाले पास पड़ते हैं और ए और बी वाले दूसरे स्थान पर स्थित हैं, इसलिए वहाँ पर मैं फिर कभी प्लान बनाऊंगा। दोनों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक है, और अधिक दूरी होने के कारण मैं उनको फिर कभी बनाऊंगा।